मैथ्स में आपको क्वाड्रेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स सिखाए जाते हैं, फिजिक्स में भी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी जाती है ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स कैसे काम करते हैं, और स्पेशली जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको तो मैथ्स के टीचर करवाते ही हैं, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके पास मैथ्स नहीं है तो उनको फिजिक्स में करना पड़ता है। तो इसका क्या बेसिक है क्वाड्रेंट्स का, इसको एक बार देखते हैं। और इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स में हम क्या करते हैं, मैथ्स में हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, और इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पूरे सेक्शन को। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, राइट। स्टैंडर्ड एंगल्स प्लॉट करते हैं, जैसे ये लाइन 0 डिग्री की है, हम इधर जाएंगे 90 ऐड हो गया तो ये लाइन 90 की है, 90 और ऐड हुआ तो ये 180 की है, 90 और ऐड हुआ तो ये 270 की है, 90 और ऐड हुआ तो ये 360 की है। तो स्टैंडर्ड एंगल लिख लिए। उसके बाद ये याद करने का तरीका है, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज बहुत तरीके हैं। F का मतलब है फॉर ऑल, S का मतलब है साइन, T का मतलब है टैन और C का मतलब है कॉस। क्या मतलब है इनके, इनके ये मतलब है कि अगर आप कोई भी एंगल 90 और 180 के बीच में इमेजिन करें, जैसे 120, कोई भी एंगल 90 और 180 के बीच में इमेजिन करें जैसे 120, तो 120 इस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और मैंने आपको क्या बताया कि साइन पॉजिटिव, तो अगर आप यहां पर साइन 120 लेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आप कॉस 120 लेंगे या टैन 120 लेंगे आपका आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे अगर आप कोई एंगल 180 और 270 के बीच में लेते हैं, मान लो 210 डिग्री, तो अगर आप कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का उठाते हैं 180 और 270 के बीच में, जैसे 210, तो उसका टैन तो क्या आएगा, टैन ऑफ 210 पॉजिटिव, लेकिन कॉस और साइन 210 क्या आंसर देंगे, नेगेटिव। ऐसे अगर एंगल 270 360 के बीच में है तो कॉस तो आ जाएगा पॉजिटिव, साइन और टैन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और अगर आप एंगल 0 और 90 के बीच में उठाते हैं जैसे कि 60 डिग्री, तो चाहे आप साइन लें, चाहे कॉस लें, चाहे टैन लें, सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है, तो आपको ये बता देता है क्वाड्रेंट कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कोई डाउट इसमें, ठीक है? यहां तक कितने लोगों ने किया हुआ है क्वाड्रेंट मैथ्स में? ठीक है, ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये काम कैसे करेगा इसको ध्यान से देखते हैं। मान लो मेरे को वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ 120 की, हालांकि मैंने तो आपको ये वैल्यू याद करने को ही दी हुई है, कौन निकालेगा कोऑर्डिनेट उसमें चैप्टर में जा जाके, तो हम इसको याद ही करेंगे। माइनस हाफ होती है, पर कैसे माइनस हाफ होती है बता रहा हूँ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कैसे, आप 120 एंगल को ब्रेक करके लिखें, लेकिन जो आपने ब्रेक करके लिखना है या तो 90 की फॉर्म में लिखना है या 180 की फॉर्म में या 270 में या 0 या 360 में, बस यही एंगल की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या किया, कॉस ऑफ 120 को लिख लिया 90 प्लस 30, तो 90 आ गया ना स्टैंडर्ड एंगल, या जो मर्जी हो या 90 आना चाहिए। कोई स्टूडेंट कहता है मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं ऐसे लिख लेता हूँ 180 माइनस 60, हाँ ऐसे लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, पहला एंगल स्टैंडर्ड लाइन का एंगल आना चाहिए 0, 90, 180, 270 या 360, लिख लिया आपने, दोनों तरीके सही हैं। तो अगर आप इस कॉस 120 को देखें तो पहले ये डिसाइड करें 120 किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, 120 कहाँ लाई करता है, 90 और 180 के बीच में लाई करता है, 90 और 180 के बीच में लाई करता है, तो यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 120 पॉजिटिव होगा, कॉस 120 नेगेटिव होगा, तो पता लग गया मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो फटाफट सबसे पहले नीचे क्या लगा लिया मैंने, नेगेटिव, चाहे इधर हो चाहे इधर, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पर साइन कॉस ऑफ ये एंगल है और पहला एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, पहला एंगल या 90 हो या 270 हो, पहला एंगल या 90 हो या 270 हो, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एंगल हट जाएगा और 30 का 30 लग जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पहला एंगल क्या हो 90 हो तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और अगर साइन होता तो किस में, कॉस में, अगर टेन होता तो
कॉट में, राइट, तो कन्वर्जन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, 90 हट जाएगा कॉस साइन में, साइन 30, साइन 30 क्या होता है, हाफ, आंसर माइनस हाफ। लेकिन ये तो पहला तरीका आ गया, दूसरा तरीका इसको करते हैं, अगर मैं ये मेथड फॉलो कर रहा हूँ तो आंसर तो नेगेटिव में आना ही है। अगर मेरा पहला एंगल 180 या 360 है, 90 है या 270 है, तो कॉस साइन साइन कॉस कन्वर्जन है। लेकिन अगर ये एंगल 180 या 360 है तो कोई कन्वर्जन नहीं है, कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, ये हटा दो, इसकी जगह क्या जाएगा 60। क्या ये रूल क्लियर है, अगर पहला एंगल 90 या 270 है फिर तो ये कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, अगर 180 360 है तो ये एंगल कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 60 भी क्या होता है, हाफ, आंसर जो मर्जी मेथड फॉलो करो आंसर माइनस हाफ ही आएगा। जैसे फिर से करते हैं, अब साइन ऑफ क्या निकालना है, 120, इसको ब्रेक करके लिख लो, या तो 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है 120, सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। अब ये बताओ पहला एंगल क्या है, 90, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और मेरा एंगल क्या है 180, तो साइन किस में रहेगा, साइन में, साइन 60 लो तो भी रूट 3/2, कॉस 30 लो तो भी रूट 3/2, आंसर आ गया। तो मेरे कहने का मतलब कि ये तरीक़ों से आप ये बता सकते हैं कि आपका एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव होगा या क्या उसकी वैल्यूज होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती नहीं है इसमें, मतलब आप सोचें कि पता नहीं कितने क्वाड्रेंट आने चाहिए, मैथ्स वालों को तो वैसे भी आ जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, मेडिकल वालों को जहाँ चाहिए होंगे मैं आपको हेल्प करूँगा पूरे साल, जहाँ जहाँ क्वाड्रेंट चाहिए होते हैं, कन्वर्जन होती हैं, मैं आपको बार बार याद कराता रहूँगा ताकि आप भूल ना जाएँ। ठीक, फिलहाल बस समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे किया। जो असली चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वही चार ऐसे आते हैं, आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये आप अभी के अभी सॉल्व करेंगे कैसे। ये क्या गिवन है, कॉस, ये क्या गिवन है, 180। अब 180 माइनस समथिंग, ये देखो ये 180 की लाइन है, 180 में से जब कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन ये क्या चीज़ है, कॉस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। पहला एंगल क्या है, 180, तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस। तो कई लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं क्वाड्रेंट नहीं करते, ऐसे ही याद कर लेते हैं कि सर ने कहा था कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ऐसे याद करना है, ऐसे कर लो, क्वाड्रेंट से करना है क्वाड्रेंट से कर लो, बस आंसर सही लिख देना, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्लियर है। अब जैसे जैसे साइन ऑफ 180 माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट है, फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, 180 है तो साइन का क्या रहेगा, साइन, आंसर सही है, कॉस। अब 90 माइनस थीटा, 90 की लाइन होती है, माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, चलो फर्स्ट में चक्कर ही नहीं है, सब पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो 90 है तो क्या बनेगा, अरे ये तो फॉर्मूला भी होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन, याद भी होता होगा आपको, क्वाड्रेंट से आता है सारा, ऐसे ही साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस, क्लियर है यहाँ तक। तो बीच बीच में ये यूज होते रहेंगे, मैंने आपको समझा भी दिया, नहीं समझ में आया तो भी कोई स्ट्रेस नहीं, आप इसकी वैल्यूज याद कर लो, अगर वैल्यूज भी याद नहीं कर सकते तब भी कोई स्ट्रेस नहीं, मैं इतनी बार यूज करूंगा पूरे साल कि आप वैसे भी याद हो ही जाएगा आपको, बातें खत्म है, ठीक है, पर समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये अभी तो मुझे चाहिए नहीं, पर मैंने यहाँ बना जरूर दिया, साल में कभी ना कभी एक आध बार आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ ही जाता है, ये ग्राफ काम आता है, क्या ये शेप जो होती है इसको पैराबोला बोलते हैं, चार किस्म के स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं मैथ्स में, ये मैथ्स का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, मैथ्स के लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नॉन मेडिकल को बहुत डिटेल में पैराबोला सिखाते हैं, मेडिकल को नहीं सिखाता, मेडिकल में बस ये पता होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, रादर नॉन मेडिकल में इसके ऊपर यूज़ नहीं होता, क्या कि अगर कोई ग्राफ ऐसा बनता है तो उसकी इक्वेशन जो होती है वाई स्क्वायर इज 4x होती है, चलो उल्टा बोलता हूँ, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूँ मैथ्स की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और आपको एक चार्ट पेपर दूँ, ग्राफ पेपर दूँ और कहूँ ग्राफ प्लॉट करो, एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करिए, जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसे ही अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने को कहूँ वाई स्क्वायर माइनस 4x तो ऐसा बनेगा, ऐसे ही
एक्स स्क्वायर फोर वाई का ऐसा बनेगा और ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई का ऐसा बनेगा, राइट। तो आप अभी इसको याद नहीं करेंगे, जब रेफर करना होगा मैं रेफर करूंगा। मैंने इसको कैसे याद किया वो बता सकता हूं। मैंने ऐसा याद किया कि यहां पे फोर का कोई चक्कर नहीं है, अगर मेरे को यहां पर ये वाली टर्म देखनी है, ये वाली टर्म अगर x गिवन है x, तो मैं अपना पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग बनाऊंगा, और अगर यहां पर माइनस x है तो मैं पैराबोला माइनस x के अलोंग बनाऊंगा। अगर यहां पर मुझे y गिवन है तो मैं पैराबोला ऊपर बनाऊंगा, और अगर माइनस y गिवन है तो पैराबोला नीचे बनाऊंगा। इतना ही सफिशिएंट है, ये रेगुलर यूज नहीं होगा, साल में एक आध बार या दो बार यूज होगा, जब होगा तो मैं आपको द्वारा ये दिखा दूंगा कि देखा हमने किया था, इतना ही है। तो स्पेशली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है।